बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के घोर विरोधी हैं, और ये लोग सिर्फ ओबीसी और अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझते हैं, ये बात स्पष्ट हो गया है। नगर निकाय चुनाव का इन लोगों ने मजाक उड़ा के रख दिया, और साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का जो मजाक उड़ा है उसके लिए बिहार की जनता और ओबीसी ईबीसी समाज कभी माफ नहीं करेगा। दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने आयोग का गठन नहीं किया, ये जिम्मेदारी किसकी थी? और आयोग का रिकमेंडेशन कराकर अगर पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देते, अमली जामा पहनाते, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और बिना प्रिपरेशन के इन लोगों ने कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए, और इन लोगों को पता था कि अब प्रत्यक्ष तौर पर निकाय चुनावों में इनकी भद पिटनी है, और इस कारण इनको हेल्डअप करना था। नगर निकाय चुनाव को बाधित तो किया ही, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का भी घोर अपमान किया है। और ये लोग अब थोथी दलील दे रहे हैं, जेडीयू के लोग, ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे चोरी भी और सीनाजोरी भी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है नीतीश कुमार जी, आपने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को चिट किया है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब अति पिछड़ा समाज को पिछले दिनों से पहले से मिलता आ रहा था आरक्षण, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्ति किसने समाहित करवाई, और जब उसके लिए जो प्रक्रियात्मक बातें, जो कोरम आपने पूरा नहीं किया था, तो इसको लेकर प्रोसेस में क्यों गए? और अब कोर्ट ने जब हेल्डअप कर दिया, तो क्या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी होगी इसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कोई मोडिलिटीज है, कोई रोडमैप है? बिल्कुल नहीं है। और बिहार का अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, नीतीश कुमार जी आपके इस साजिश को कि आप हम लोगों को वोट बैंक समझते हैं, इसके खिलाफ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के घोर विरोधी हैं, और ये लोग सिर्फ ओबीसी और अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझते हैं, ये बात स्पष्ट हो गया है। नगर निकाय चुनाव का इन लोगों ने मजाक उड़ा के रख दिया, और साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का जो मजाक उड़ा है उसके लिए बिहार की जनता और ओबीसी ईबीसी समाज कभी माफ नहीं करेगा। दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने आयोग का गठन नहीं किया, ये जिम्मेदारी किसकी थी? और आयोग का रिकमेंडेशन कराकर अगर पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देते, अमली जामा पहनाते, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और बिना प्रिपरेशन के इन लोगों ने कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए, और इन लोगों को पता था कि अब प्रत्यक्ष तौर पर निकाय चुनावों में इनकी भद पिटनी है, और इस कारण इनको हेल्डअप करना था। नगर निकाय चुनाव को बाधित तो किया ही, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का भी घोर अपमान किया है। और ये लोग अब थोथी दलील दे रहे हैं, जेडीयू के लोग, ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे चोरी भी और सीनाजोरी भी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है नीतीश कुमार जी, आपने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को चिट किया है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब अति पिछड़ा समाज को पिछले दिनों से पहले से मिलता आ रहा था आरक्षण, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्ति किसने समाहित करवाई, और जब उसके लिए जो प्रक्रियात्मक बातें, जो कोरम आपने पूरा नहीं किया था, तो इसको लेकर प्रोसेस में क्यों गए? और अब कोर्ट ने जब हेल्डअप कर दिया, तो क्या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी होगी इसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कोई मोडिलिटीज है, कोई रोडमैप है? बिल्कुल नहीं है। और बिहार का अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, नीतीश कुमार जी आपके इस साजिश को कि आप हम लोगों को वोट बैंक समझते हैं, इसके खिलाफ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।